सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हमीरपुर में 1441 लाभार्थियों के खाते में पहुंची प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त। आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर 3,42,322 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे 2409 करोड़ के ऑनलाइन धनराशि हस्तांतरण कार्यक्रम का NIC हमीरपुर सहित जनपद की सभी नगर निकायों में भी सजीव प्रसारण किया गया। इस क्रम में जनपद हमीरपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जनपद की सभी नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में कुल 1441 लाभार्थियों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में 7,28,50,000 रुपए की धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई तथा धनराशि हस्तांतरण बटे स्वीकृति पत्र को विधायक हमीरपुर युवराज सिंह द्वारा लाभार्थियों पुष्पा देवी, पूजा सुमरतन, लक्ष्मी जयदेवी, रानी संतोषी, अंकित अतर सिंह, प्रेम नारायण शिवमंगल को प्रदान की गई। जानकारी देते हुए परियोजना अधिकारी डूडा सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आज प्रथम किस्त के रूप में 724 लाभार्थियों को 3,62,00,000 रुपए, द्वितीय किस्त के रूप में 8 लाभार्थियों को 12,00,000 रुपए एवं तीसरी किस्त के रूप में 709 लाभार्थियों को 3,54,50,000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। प्रथम किस्त के रूप में 50,000, द्वितीय किस्त के रूप में 1,50,000 और तृतीय किस्त के रूप में 50,000 की धनराशि, कुल 2,50,000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जाती है। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी डूडा सुधीर कुमार सिंह व लाभार्थी मौजूद रहे। वहीं नगर निकायों में गोहान नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी दीपालिका यादव, जय डूडा संजय सिंह, लिपिक गंगा प्रसाद यादव, सुशील लखेरा, रामेश्वर दयाल, असेंद्र धीरेन्द्र व योजना से जुड़े लाभार्थी मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका राठ में पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास बधौली, अधिशासी अधिकारी कृष्णकांत मिश्रा, जय डूडा चंद्रशेखर कुशवाहा, प्रवेंद्र विवेक निरंजन व योजना के लाभार्थी मौजूद रही। वहीं नगर पंचायत सरीला, नगर पंचायत कुरारा, नगर पंचायत सुमीरपुर, नगर पालिका मौदा में भी कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।